ये हो गया। बहुत खूब किया उबैद। मेरा भी काम हो गया। तुम्हारा काम हुआ मंसूर? बस खत्म होने को है। ठीक है, लेकिन ये बताओ अब आगे का क्या इरादा है तुम्हारा? मुझे नैनो की माइक्रोचिप अपग्रेड करनी है, इससे वो और बेहतर नजर आएगा, आला दर्जे की जहानत के साथ, फिर ये परवाज भी करेगा। क्या, ये तो बढ़िया है, बेहतरीन। तुम्हें कैसा लग रहा है नैनो? बहुत खूब, बेहद खुश। उड़ने वाला रोबो नैनो, तुम अब तक की सबसे बेहतरीन इजाद हो। जल्दी करो मंसूर, जल्दी करो। सब हो गया, बस दो काम करने बाकी रह गए हैं और चिप इसमें लगने के लिए तैयार हो जाएगी। अब मैं नानो को बंद करता हूँ। हम थोड़ी देर बाद मिलेंगे नानो, तब तक अलविदा। अब मुझे अपने लिए मेरे लिए शरबत लाओ। उबैद, तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? नहीं शुक्रिया, मेरे बैग में एक ड्रिंक है। उबैद, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। फिक्र मत करो, मैं कुछ भी नहीं छूऊंगा। उबैद, तुमने कुछ छुआ तो नहीं ना? बेशक नहीं। यहाँ सब ठीक तो है ना? और अब वक्त है नैनो 2.0 की शुरुआत का। नैनो 2.0 काम को अंजाम देगा। हेलो नैनो, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा, इसकी आवाज कैसे बदल गई? हाँ, और उसकी आँखों को क्या हुआ? क्या हुआ? मैं उड़ सकता हूँ, लेकिन क्या ये भी उड़ सकता है? नहीं। तुम? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये ऐसा क्यों कर रहा है। शायद इसके सिस्टम में वायरस आ गया है, इसे बंद कर देता हूँ। अब मुझे कोई बंद नहीं कर सकता। उसे वापस करो। क्या होगा अगर किताबें भी उड़ने लगेगी? हिम्मत भी मत करना, उस किताब को बाहर मत फेंकना। बाहर जाओ, देखते नहीं मैं काम कर रहा हूँ? आ जाओ, क्या तुम खेलना चाहते हो? नहीं। मेरा होमवर्क वापस करो। हमें उसे रोकना होगा।
अब तो खैर नहीं। हेलो बच्चों, अच्छा हुआ आ गए। हेलो। ये केक मैं यहीं रख देती हूँ, तुम लोग इसे बाद में खा लेना। कौन केक खाएगा? इसे नीचे रख दो नानो। उबैद, तुम्हें केक खाने से पहले इजाजत लेनी चाहिए थी। इसकी वजह है नैनो। झूठ क्यों बोल रहे हो उबैद? उबैद, झूठ बोलना सही नहीं। अब जाओ और अपना मुंह साफ करो। मैं माफी चाहता हूँ। सचमुच ये केक बहुत लजीज है। उबैद, ये गंदगी क्यों फैलाई? क्या हो रहा है बच्चों? उबैद, ऐसे कौन केक खाता है? मरियम, क्या आपने हमारी टाई देखी? अगले 10 मिनटों पे हमें एयरपोर्ट निकलना है। आपके वालिद इसके बगैर एयरपोर्ट कैसे पहुंचेंगे? ऐसा मत करो, अब्बा को देर हो जाएगी। सलेम, नल का हॉस पाइप खोल दो, जल्दी करो। मंसूर, तुमने भी अच्छा किया। क्या तुम मुझे रोक सकते हो? मुझे मदद की जरूरत है दोस्तों, मदद करो। खींचो। अपना ख्याल रखना। हाँ, चिप जूस में डूबी हुई है, लेकिन ये हुआ कैसे? मुझे वाकई यकीन नहीं होता उबैद, ये तुमने किया है। मैंने मना किया था ना उबैद? मैंने किसी चीज को नहीं छुआ था। और तुम्हारी ड्रिंक? मुझे माफ कर दो मंसूर, ये सिर्फ एक हादसा था, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमें चाबियां मिल गई। शुक्र है, मुझे उम्मीद है नैनो भी अब नॉर्मल हो जाएगा। नैनो 2.0, काम को अंजाम देगा। अब तुम कैसे हो नैनो? मैं अच्छा हूँ, शुक्रिया मंसूर, शुक्रिया। तुम कोई चीज तोड़ोगे नहीं और ना ही किसी का होमवर्क उठाकर उड़ जाओगे। मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? नैनो, तुम्हें पता है ना चीजों को कैसे ठीक करते हैं? हाँ, इस नए अपग्रेड के साथ अब ये मुमकिन है। ओ, इसकी ये हालत किसने की? Mansoor!
अस्सलामुअलैकुम, मैं कैप्टन खालिद बोल रहा हूँ। हम लैंड करने वाले हैं, तो बराए करम अपनी सीट बेल्ट बांध ले। उबेद, क्या तुम इसे अभी पीने वाले हो? ये सही वक्त नहीं है। बहुत खूब, लाजवाब लैंडिंग की आपने कैप्टन। शुक्रिया बरखुरदार। ये तुम्हें क्या हुआ उबैद? लगता है उबैद नया स्टाइल ट्राई कर रहा है, स्टाइल मिल्क शेक। ये लो नाश्ता कर लेना, जब तक हम सामान उतारें तुम सब लोग वहां तफरी कराओ। देखो कितनी खूबसूरत जगह है। लेकिन एहतियात जरूर बरतना। हमें इसे यहीं छोड़ना होगा, ये इसका घर है, इसे यहीं रहने दो। ओ प्लीज मंसूर। नहीं कहा ना उबैद, नहीं, ये एक जंगली बिल्ली है और यही जगह इसका घर है। यही मुनासिब होगा उबैद। माफ करना, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। बच्चों कैसा रहा दिन? क्या तुम लोगों ने वहाँ लुत्फ उठाया? हाँ अम्मी, हमें बड़ा मजा आया। आओ आराम करो, और तुम लोगों ने सारे दिन बाहर गुजारा है। अच्छा तो तुम लोग जूस पियोगे? हाँ। क्या तुम नहीं पियोगे उबैद? हाँ, थोड़ा सा दूध चाहिए, मगर एक तश्तरी में। उबैद, तुम दूध तश्तरी में क्यों पीना चाहते हो उबैद? वो आवाज कैसी थी? उबैद, वो ये यहाँ कैसे आ गई? उबैद, तुम ये बिल्ली वापस लेने गए थे? उबैद, ये एक जंगली बिल्ली है और जंगली जानवरों का पालतू जानवरों की तरह ख्याल नहीं रखा जा सकता, इसे इसके कुदरती माहौल में ही छोड़ना होगा। लेकिन ये बहुत प्यारी है। ठीक है, इसका ख्याल रखो जब तक वापस नहीं छोड़ाते। मैं इसके लिए कुछ खाने को लेकर आया हूँ। नैनो, इसे देखो, ये जंगली बिल्ली है। जंगली बिल्ली, मुझे देखने दो, स्कैनिंग हो रही है, 30% हो गई, 50%। अब चलो बच्चों,
इससे खेलना बहुत हो गया, अब इसे आराम करने दो। जंगली बिल्ली की तफ्तीश जारी है। उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वो एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली तो है, बस बात खत्म। तो बताओ फिर ये हमें पहाड़ों में क्यों मिली? इसका ताल्लुक पंथेरा परदूस निब्र नस्ल से है, जिसे कहते हैं अरेबियन पहाड़ी तेंदुआ। ये खतरनाक होती है, समझे? क्या? तेंदुए को घर में रखना ठीक नहीं, समझे खालिद? तुम सब इसे जल्द से जल्द छोड़ाओ। हम गलती कर रहे हैं, ये उस नस्ल की नहीं है। देखिए ना, ये कितनी मासूम और प्यारी है, ये नामुमकिन है। ये खतरनाक जंगली बिल्ली बिल्कुल नहीं हो सकती। हमें अभी उसे वापस ले जाना चाहिए, उसकी माँ परेशान होगी। जाओ उसे ले आओ उबैद। वो छोटी बिल्ली सारा का सारा खाना खा गई और वो अचानक से एकदम बड़ी हो गई। पता नहीं कैसे बहुत जल्दी बड़ी हो गई। देते हैं, हम उसे अभी लेके आते हैं। ओ नहीं नहीं, मत जाओ, वो बहुत बड़ी हो गई, वो खा जाएगी। वो तो बिल्कुल वैसी ही है, छोटी सी, देख लो। माँ अपने बच्चों को लेने आ गई है, वो आ रही है। मैंने कहा था ना, लेकिन मुझ पे भरोसा नहीं किया। अब्बा, अब हम क्या करेंगे? हमें इन्हें वापस इनके घर ले जाना होगा। हम ये कैसे करेंगे? मुझे मालूम है, हमें चाहिए एक बक्सा और हमें चाहिए होगा थोड़ा सा गोश्त, काम हो जाएगा। नैनो, कमाल कर दिया बच्चों, तुमने बेहतरीन काम किया। ओ अलविदा मेरी प्यारी सहेली। सहेली? देखकर आंखें सेक लो। क्या कभी इतनी बड़ी मुर्गी का अंडा देखा है? ये तो मुर्गी का अंडा नहीं लगता मुझे। नैनो, तुम इसकी नस्ल की पहचान कर सकते हो? पहचान करके बताता हूँ। काम खत्म हुआ, पहचान हो गई है। ये अंडा बेहद बड़े कछुए का है। इसकी लंबाई 4 फीट से ज्यादा हो सकती है। उबैद, तुम कभी नहीं सुधरोगे।
ख्वातीनों हजरात, आपका खैर मकदम है। देखिए कारनामा जादुई ट्रम्पेट का। इस कदीम डिवाइस की मदद से मैं अपने असिस्टेंट को ऊपर उठा दूंगा, तो दिल थाम कर देखिए, मेरा हुक्म है तुम इसे बजाओ जोर से, फिर से करो जोर से, जितना जोर से बजाओगे और ऊपर उठोगे, और जोर से बजाओ। ये ट्रिक तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। शो में महज 3 दिन ही बचे हैं और हमारी कोई तैयारी नहीं हुई है। तुम्हें कुछ करना होगा खलील, तुम्हें कोई और मैजिक ट्रिक ढूंढनी होगी, वरना हम खत्म हो जाएंगे। ठीक है, घबराओ मत, मैं कुछ नया सोचता हूँ। तुम सोचोगे एक कमाल की ट्रिक खलील? हाँ मैं जरूर लाऊंगा, मुझे जाने दो, मुझे थोड़ी खुली हवा में जाने दो, मुझे यकीन है कि कुछ जरूर होगा। ये क्या है? ये साइंस फेयर के लिए टेलीपोर्टेशन के प्लान हैं। मैं जाता रहा हूँ। ये क्या है? टेलीपोर्टेशन डिवाइस। क्या सच में? ये दो घेरे टेलीपोर्टेशन डिवाइस कैसे हो सकते हैं? ये बेहतरीन लाइट वेट मेटेलिक अलॉय से बने हैं। मैं दिखाता हूँ, इन्हें फर्श पर रखो और फिर देखो। ठीक है, अब घेरे में आ जाओ। कमाल है, बढ़िया। अब बताओ मैं क्या करूं? उसे अच्छी ट्रिक चाहिए। क्या तरकीबें आसमान से गिरती हैं? जितना ही मैं इस नंबर को बढ़ाऊंगा, चुंबक उतना ही ताकतवर होता जाएगा। बहुत खूब, बढ़िया। आओ देखे। बहुत ही दिलचस्प है ना? ये तो काफी ज्यादा दिलचस्प है। नहीं, ये साल मेरी फतेह का साल होगा। अब मेरी बारी है, मैं मंसूर को अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा। अभी इसे टेस्ट नहीं किया है, तुम्हें यकीन है कि ये वाकई काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। देखो, पहला घेरा वहाँ है प्लेटफॉर्म के स्टेज पर, और दूसरा घेरा यहाँ, और तुम पहले वाले घेरे में जाओगे और फिर बैक स्टेज पर टेलीपोर्ट होगे। मैं तमाशबिनों से कहूँगा कि तुम गायब हो गए, और फिर तुम जो पहला वाला घेरा है उसमें आ जाओगे। हाँ, मैं तमाशबिनों से कहूँगा कि तुम फिर से आ गए। जादू, कमाल, चलो जाओ। ख्वातीनो हजरात, तैयार हो जाइए एक और बेहतरीन करिश्मे के लिए, एक ऐसा जादू जो आपने स्टेज पर नहीं देखा होगा। गायब होगा एक शख्स, इस काम में मेरी मदद करेगा मेरा बेहतरीन असिस्टेंट, जो मेरा एक बेहतरीन दोस्त भी है, खलील। तैयार? तैयार। तो शुरू करें। वाह! मैंने सुना तुमने कहा ख्वातीनों हजरात, क्या उसने कर दिखाया? क्या वो गया? वो गायब हुआ? चलो चिलमन के पीछे देखते हैं, साबित करने के लिए बस एक नजर ही काफी है। आओ। लगता है वो एक मोटे लड़के में बदल गया। मोटा? ए, मैं मोटा नहीं, तगड़ा हूँ। और अब पूरी तरह गायब होने के लिए। उबैद कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? ये क्या हो रहा है? ठहरो,
तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वाकई नहीं पता? दोस्तों लगता है मैं समझ गया हूँ, मुझे ये बटन दबाना है और बेन नमूदार हो जाएगा। दूसरा घेरा कहाँ है? उन्हें पकड़ो। रुक जाओ, वापस आओ। उबैद, अब मैं कहाँ हूँ? सवाल ये है, तारिक जमाल और जमील कहाँ चले गए? हाँ सही है हज़रीन, बिल्कुल सही। एक के बदले में तीन नमूदार हुए, ये कौन है आपको ताज्जुब होगा। ये तीनों आए कहाँ से? आपको जवाब मिलेगा जब जनाब ट्रेड यहाँ नमूदार होंगे, वो आता ही होगा। हाँ, ये ऐसे काम करता है, ये एक ऐप है। मैं यक बयक खलील साहब के जादू के तमाशों में नमूदार हो गया। हा? याद है ना? हाँ, अरे हाँ, वो कमाल है। लेकिन ये मेरा शो है, मैं हूँ ट्रैक द ग्रेट, मुझे अपने शो में वापस जाना है इससे पहले कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाए। तुम लोग मेरी मदद करो। ओके, हम ऐसा करेंगे कि जमील जमाल चलो पकड़ो उन्हें। हाँ सही है, खवातीनों हजरात पूरी तरह से गायब हो गए। तुम कहाँ चले गए ट्रेड? तुम कहाँ हो? रुको। तुम आ गए? हाँ खवातीनों हजरात सही है, गायब हुआ शख्स नमूदार होता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या? और वो फिर से गायब हो गया। वो कहाँ होगा? अच्छा तो ये सब हो रहा है, अब मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना है। जरा मुझे अपना फोन दीजिए। ठहरो, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। उठाओ इसे। मैं उठाऊं? मैं क्यों उठाऊं? पर तुम उठाओ इसे। मैं क्यों? इसे तो तुम्हें उठाना चाहिए। हाँ लेकिन मैंने तुमसे कहा उठाने के लिए। हाँ क्योंकि इसे उठाने को मैं तुमसे कह रहा हूँ। मेरे हाथ में टेलीपोर्ट का फोन है, मुझे मिल गया। हे, ये मुझे दो। आ, मुझे मिल गया। हटो भी। और इस तरह मैं इस साल का साइंस फेयर जीतने वाला हूँ, पर तुम नहीं जीतोगे। नहीं। चलो देखते हैं कि कौन घेरे से निकलता है। चलो जल्दी, हमें फेयर में पहुंचना चाहिए, जज साहब के आने का वक्त हो चुका है। अब करो भी, जल्दी फ्लैश करो। खलील तुम सुन रहे हो ना? टेलीपोर्ट करो। हमारा प्रोजेक्ट टेलीपोर्टेशन करके दिखाने वाला है और मदद के लिए है द ग्रेट ट्रेड। हाँ जरा एक मिनट। मुबारक हो, ये बहुत दिलचस्प था। हम जीत गए। क्या बात है? क्या तुम तैयार हो? तुमने मेरी बात सुनी क्यों नहीं? खवातीनों हजरात तालियां हो जाए हमारे ट्रेड द ग्रेट के लिए, बेमिसाल बेहतरीन जादूगर, गायब होने वाला पहला शख्स। Massa!
मुझे पता है हमने सारा पैसा नए फ्रीजर यूनिट और बेहतरीन मछलियों पर खर्च कर दिया है, मगर ये मुनासिब है, क्या तुम्हें नहीं लगता? फ्रीजर, मछली, गर्मी, जनरेटर, चलो देखते हैं। मछली, मछली, रुको, मछली, मत जाओ, मछली, बेवकूफी है, मगर मछली, हाँ, खलील, मेरे दोस्त खलील, मैं अभी भी मछली बचा सकता हूँ, नहीं नहीं मेरे दोस्त, सब बेकार है, आओ मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूं, इत्र इस्तेमाल करो, या फिर उसे बेच दो, जो सूंघ ना सके, देर हो गई है मगर हम बर्बाद नहीं हुए, मेरे पास एक तरकीब है, मैं अपना मारधार का काम वापस शुरू कर रहा हूँ, हम बर्बाद हो गए, मैं इसमें बेहतर था, मैं एक अच्छा स्टंटमैन हुआ करता था, लोग मेरी अदाओं पर दौलत लुटाया करते थे, मैं बाइक कुदाया करता था, मूवी में मारधार करता था, ऐसा बहुत कुछ, हाँ एक बार अब देखो जरूरी है क्या? मैं भी कम पानी में कूदना सिखाने की सोच रहा हूँ, मैं इस काम में बहुत बेहतर हो सकता हूँ। देखो ये रहा, वो क्या है? तुम्हारा पूल। पूल? एक छोटा सा गिलास? ये छोटा पूल है, तुमने कहा छोटे पूल में कूदना है। छोटा पूल? मैंने कहा कम गहरा पूल। मैं इसमें कूदना सिखाने की सोच रहा था, तुम बेवकूफ हो, मैं इसमें कैसे कूदूंगा? 100 फुट की ऊंचाई से कर सकते हो। हाँ क्या? 100 फुट की ऊंचाई से तुम इसमें कूद सकते हो। क्या? एक भी कतरा छलकाए बिना। क्या? देखो कम गहरा पूल और एक गिलास पानी, तो क्या प्रमोटर बेहद मुतासिर था, कहा कि उसने ये पहले कभी नहीं देखा। हरगिज नहीं देखा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, यही तो शो का नाम है, स्पॉन्सर्स को अच्छा लगेगा। स्पॉन्सर्स? उन्हें लगता है ये बिकेगा। तमाशबीन? दोबारा? बहुत से तमाशबीन। फिर भी नामुमकिन है। खैर मैंने भी इस पर सोचा है, दिखाओ। वाह, ये तो बढ़िया है। तुम इन्हें किस नाम से पुकारोगे? इन्हें कहते हैं जेट ब्रेक्स। ये कितने भी ऊंचाई से गिरते हुए शख्स को रोक सकता है। इम्तिहान से गुजरने के बाद ये काम करने के लायक हो जाएगा। मुझे वो खिलौना ला कर दो। रुको, क्या मैं? क्योंकि तुमने ही मुझे इस मुसीबत में डाला है। नहीं, हरगिज नहीं। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें बस इतना ही तो करना है। एक बार कहना नहीं, बस एक ही बार। सवाल ही नहीं उठता। मान जाओ, उधार ले लूंगा उन्हें बताए बिना।
ये वाकई कमाल का है, मैंने काम करते हुए महसूस कर सकता हूँ। मिल गए, मिल गए। कहा था ना कि हो जाएगा, तो अब जल्दी करो, इन्हें पहन लो। अरे मेरी, अरे मेरी। हाँ तो ठीक है, मैं पहुंच गया। हाँ तो मैं शुरू करता हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। माफ करना। जी कहिए। उधार लेने के लिए वो उड़ने वाली चीज। मैं इनकी बात नहीं समझा, क्या तुम समझे? तुम्हारी जो कलाई मशीन है मैंने ले ली। आपका मतलब ये? हाँ। क्या? ठहरो, अगर ये तुमने पहना है तो फिर उसने क्या पहना है? ओह, आपने गलती से मेरे कलाई और टखने के वेट्स ले लिए, जो कि मंसूर की एक बेहतरीन इजाद थे। मैंने उन्हें वहाँ छोड़ दिया था और किसी ने उठा लिए थे। वो वेट्स है? रुको रुको रुको, कूदना नहीं, मत कूदना। नहीं। ये चल क्यों नहीं रहा? मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, मेरे दोस्त। अरे मैंने एक भी कतरा नहीं छलकाया। मेरे दोस्त। खलील, मेरे दोस्त, देखो मैं आ गया। बढ़िया, सुनकर अच्छा लगा। दो शो और हैं, कल और दोपहर का।
शुरू से नहीं कर पाएंगे। वैसे भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे जीतने के बिल्कुल भी आसार नहीं है। लगता है तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही यकीन है। तुम भी कर सकते हो, मुझे तो यकीन है। अगर सबने ईमानदारी बरती तो यकीन करो रेस बेहतरीन होने वाली है। हाँ बिल्कुल होगी। गुड लक मंसूर। उसे वाकई दुआओं की जरूरत है। हाँ? ऐसे बैठे मत रहो, तुम भी कुछ करो। हाँ क्यों नहीं। जमील जमाल इस जानिब घुमाओ, थोड़ा ढीला करो वरना पहिया निकल जाएगा। उसे वापस लगाओ। पर मैंने तो सोचा कि हमें थोड़ा जल्दी करो। हाँ ठीक है। पर तुमने तो स्क्रूज अच्छे से टाइट किए ही नहीं, क्योंकि असली प्लान यही करने का था। मैं समझा नहीं। याद रहे ये एक टीम रेस है, हम सबको हर हाल में 5 परचम हासिल करने की कोशिश करनी होगी, वरना हम रेस से बाहर हो जाएंगे। समझा। हो गया, परचम मुझ पर। ओबैद तुम चलाओ, परचम मैं लूंगा। चलो 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 चलो। मैं कहने वाला था कि दाया मोड़ आ रहा है, कहने क्यों नहीं दिया। रुको, ये हमारा परचम है। पहला परचम हासिल। तकरीबन वहां। उस जानिब। अभी हासिल, हम जल्दी कर लेंगे। हमें और परचम हासिल करने हैं। हो
नोट नहीं है। मिल गया। ब्रेक्स। देखो मिल गया। लगता है कि मैं ड्राइविंग को अब समझने लगा हूँ। आखिरी झंडा हमें लेना है। मिलते हैं दोस्त। बुरा हुआ फिनिश लाइन पर मिलते हैं, है ना लूजर्स। हम देख लेंगे। जैक लाओ। जैक रेडी। पाना। ये पाना। बोल। बोल। सफाई। सफाई। चलो चलो जल्दी करो भाई। सफाई। सब हो गया। जाओ जाओ मंसूर जल्दी जाओ। शुक्रिया। जल्दी वो जीतने का आखिरी मौका है। हम ये तुम्हारे बगैर हरगिज नहीं कर पाते दोस्तों। देखना अब हारोगे तुम।
जैसे मैं पिछली दफा हारा था। इस दफा रहम नहीं, ये लो। हाँ दोस्तों, देखो मेरी नई ईजाद। क्या ये तुमने लेजर गन बनाई है? वैद, लेजर गन नहीं, ये मेरी ताजा ईजाद है। ये सुनने की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। हमारे कानों में क्या नुक्स है? नुक्स नहीं है, ये इसे और भी बेहतर बना देगी। देखो तुमने होमवर्क कर लिया? हाँ, आसान था। मैंने सुना है मॉल में नया बुटीक खुलने जा रहा है। लोगों की खुफिया गिरी करना मुनासिब नहीं है, हम इसे और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं मुलाकात की जगह पर पहुँच रहा हूँ, क्या तुम्हें यकीन है तुम्हारा पीछा नहीं हुआ? रुको जरा, और बैठ फिर उसी की जानिब करो। तो वो शख्स, तुम मुलाकात की जगह पहुँचो, पीछा नहीं हुआ, और काम? काम हो गया है, सुना, काम हो गया है। माजरा क्या है? कहीं ये जासूस तो नहीं? 30 सेकंड में मैं कैफे पहुंच जाऊंगा। चलो उसका पीछा करें। ओ, जासूस का पीछा? क्या ऐसा करना मुनासिब होगा? भला ये हमें कैसे पता होगा कि वो जासूस है भी या नहीं? हाँ, शायद वो कॉफी पीने आया होगा। कमाल है, वो तो कहीं गायब हो गया। फिर तो हरगिज वो जासूस है। आओ चले। ठीक है, वो जासूस तो अभी निकल गया, तो चलो चलकर आइसक्रीम खाते हैं। हम उसकी तलाश करेंगे इसकी मदद से। आज रात को जाएंगे, सब तय है। वो जाल ले लिए ना? ये वही है, ये वही है। वो वहाँ उस दरख्त के पीछे है, थोड़ा नजदीक चलें। आज रात बगदाद का सितारा हमारा होगा। हम अमीर हो जाएंगे सईद। एहतियात बरतेंगे तो, गलत कदम मतलब कैद। हमें कब चलना है? 30 सेकंड में निकलेंगे, बंद होने से पहले हम वहाँ जाकर छुप जाएंगे, और फिर जब कोई नहीं होगा काम शुरू करेंगे। बगदाद का सितारा कौन है? बगदाद का सितारा है। सुनो, बगदाद का सितारा दुनिया का सबसे नायाब हीरा है, और पता है ये हीरा बेशकीमती भी है। यानी वो कोई जासूस नहीं, वो दोनों चोर हैं। हमें उन्हें रोकना होगा। पर हमें नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं। आसान है, अलग अलग पीछा करो। बगदाद का सितारा म्यूजियम में है। अगर हम उन चोरों को नहीं रोक पाए तो हीरा म्यूजियम से गया समझो। चलो डायरेक्टर को बताते हैं। चलो। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये बगदाद के सितारे के मुतालिक है, कुछ शातिर चोर इसे चुराने की साजिश कर रहे हैं सर। हीरे की चोरी? सच में? नामुमकिन। नहीं, ये सच है। पहले तो हमें ये लगा कि वो जासूस है, फिर हमें पता चला कि वो दोनों जासूस नहीं, चोर हैं। वो है कौन? हमारे मुताबिक वो दो लोग हैं, हमने उनकी बातें सुनी और वो आज रात को चोरी करने वाले हैं। ये महज तुम्हारा तसव्वुर है। बगदाद का सितारा इस म्यूजियम से चुराना नामुमकिन है बच्चों, हमने हिफाजत के बेहतरीन इंतजाम कर रखे हैं। नहीं पता वो इसे कैसे अंजाम देंगे। आप यकीन करिए, वो दोनों यहाँ आते ही होंगे। हमने पूरा दिन उनका पीछा किया। तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम कैसे उसकी हिफाजत करते हैं। नजर भर के देखो, बगदाद का सितारा, बेमिसाल, सबसे बड़ा हीरा। कहते हैं कि ये वक्त से भी पुराना है, आज तक कोई भी इसकी ताब नहीं ला सका। वाह, ये कितना बड़ा है। तो अब तुम लोग कोशिश करके देख लो। हाँ, तो चलो कोशिश करो उठाने की। चाल? रहने दो, किस्मत से मेरे पास चाबी है बाहर जाने की, यही एक रास्ता है। सुनो, ये क्या हो रहा है?
कुछ खास नहीं अजीज, मैं इन बच्चों को मेरे साथ यहाँ की हिफाजत के इंतजाम दिखा रहा था। ठीक है। मुझे लेजर पसंद है। लेजर बेहतर है, एक पतंगा भी नहीं गुजर सकता। तो देखा तुम लोगों ने, वो हीरा कितनी कड़ी हिफाजत में है। बस यही एक चाबी है। वक्त हो गया बच्चों, हमें यहाँ से जाना चाहिए। मेरी बीवी है, मैं चलता हूँ, तुम लोग खुद रास्ता तलाश कर लेना। और हीरे की फिक्र मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। ओ, मैं गलती से मेरी नई इजाद डायरेक्टर के ऑफिस में भूल गया। सुनो, अब हम सबके जाने तक का इंतजार करेंगे, फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। वो चोर यहाँ पहुँच गए। डायरेक्टर को खबर करनी होगी। कोई फायदा नहीं, हम बंद हो गए हैं। अरे वाह, दो चोरों के साथ म्यूजियम में बंद हो गए हैं, तो अब इससे बुरा और क्या होगा। अब हम क्या करेंगे। पुलिस को बुलाते हैं, मेरी बैटरी बेदम है। और मेरी भी। खैर, मेरा फोन तो मुकम्मल चार्ज है, पर घर पर है। वो आ रहे हैं, जल्दी ऊपर। वो रहा हीरा। बहुत बढ़िया सही, उन्हें वो हीरा मिल गया। हमें उन्हें भागने से पहले रोकना होगा। अब हम क्या करें। मैं समझ गया। रुको, मेरे पास बेहतर तरकीब है। मेरे पास एक इससे बेहतर आइडिया है, ये देखो। हे हे। मंसूर, क्या कर रहे हो। तुम्हारा शुक्रिया बच्चों, तुम लोगों ने इसे चोरी होने से बचा लिया। तुम तीनों जब चाहो यहाँ आ सकते हो, बिल्कुल मुफ्त बेशक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और तुम्हें संजीदगी से ना लेने के लिए माजरत चाहता हूँ। मैं आपके लिए भी ये बना कर दूंगा सर।